पैदा तो सभी मरने के लिए ही होते हैं, पर मौत ऐसी होनी चाहिए जिसे जमाना अफसोस करे। हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है मौलाना वली रहमानी, जिनका देहांत कल पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। हम आपको बताते चलें कि उन्होंने 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया था तथा 3 दिन पहले इनका कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। बिहार के मुख्यमंत्री के आदेशानुसार इनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम रस्म अदा की गई। मौलाना वली रहमानी बिहार तथा देश के बड़े और चर्चित चेहराओं में से एक थे। चलिए इनके जीवनी पे नजर डालते हैं। मौलाना वली रहमानी का जन्म 5 जून 1943 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने अपने प्रारंभिक इस्लामिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद 1991 में खनकाह रहमानी मुंगेर के सजादा नसीन बन गए। इन्होंने 1974 से 1996 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सदस्य भी थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक लेखक के रूप में 11 पुस्तक तथा 300 से ज़्यादा निबंध प्रकाशित किए तथा इसके साथ साथ इन्होंने 39 से ज़्यादा देशों का दौरा भी किया। मौलाना रहमानी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बोर्ड बम्बे के अध्यक्ष के साथ साथ कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। इनको 2009 में जैती पुरस्कार, 2010 में राजीव गांधी उत्कृष्टता पुरस्कार तथा 2011 में सर सैयद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तथा राजीव गांधी जैसे बड़े हस्तियों से मिलने का मौका भी मिला। हमने बिहार के चर्चित चेहराओं में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया है। अंततः हम ईश्वर से कामना करना चाहते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।